हेलो फ्रेंड्स, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑटोमेटा में ट्रांजिशन टेबल के बारे में। तो ट्रांजिशन टेबल होती क्या है ये देखते हैं। तो ट्रांजिशन टेबल एक तरीके का टेबुलर फॉर्म होता है जिसमें फाइनाइट ऑटोमेटा के, या यू कहें ट्रांजिशंस फंक्शंस को हम लिखते हैं। ओके, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तरफ होता है इनपुट और एक तरफ होता है स्टेट्स। इनपुट में आप यहाँ पर इनपुट ए या बी मान लेते हैं, ठीक है, और स्टेट में आपके जो भी स्टेट आप ऑटोमेटा में लेते हैं। ओके, सो स्टेट में आपके जैसे सपोज दैट मैंने माना ये Q0 है, Q1 है, Q2 है, ये प्लस है। तो ये जो आपका माइनस सिंबल आप देख रहे हो, ये दिखाता है कि स्टार्ट जो स्टेट आपकी हुई है स्टार्ट हो गई है, स्टार्टिंग स्टेट हो गया। ओके, इट मीन की अ रो लेबल प्रोसीडेड बाय अ माइनस साइन इंडिकेट्स द स्टार्ट स्टेट एंड द कॉलम लेबल्स प्रोसीड बाय प्लस साइन रिप्रेजेंट द फाइनल स्टेट। ओके, तो दो तरीके की स्टेट्स होती हैं, एक होती है स्टार्ट स्टेट, एक होती है फाइनल स्टेट। अगर माइनस सिंबल लगा हुआ है तो ये स्टार्ट स्टेट होगी, अगर प्लस सिंबल लिखा हुआ है तो ये फाइनल स्टेट होगी। स्टेट को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं और इनपुट्स जो होते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं। और इन स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो इनपुट देने पर क्या हमें दूसरी स्टेट मिलती है वो हम यहाँ और यहाँ लिखते हैं। ओके, जैसे सपोज दैट इनिशियल स्टेट, स्टार्ट स्टेट जिसको हम लोगों ने बोला Q0 पर अगर हम ए इनपुट देते हैं, सपोज दैट अगर स्टेट Q1 रहा होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, बस समझा दूँगा बाद में आपको। तो सपोज यहाँ Q0 रहा होगा, यहाँ Q2 रहा होगा। तो Q0 स्टेट पर अगर हमने इनपुट ए दिया तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ए इनपुट पर Q1 स्टेट मिलेगी, मतलब कि Q0 पर अगर हम ए इनपुट देंगे तो Q1 स्टेट मिलेगी। और इसी तरीके से Q0 पर अगर हम बी इनपुट देंगे तो हमको Q2 स्टेट मिलेगी। इस तरीके से Q1 स्टेट पर ए इनपुट से Q0 स्टेट मिलेगा, Q1 स्टेट पर बी इनपुट से Q2 मिलेगा, और Q2 स्टेट पर ए इनपुट से Q2 मिलेगा, Q2 स्टेट पर बी इनपुट पे Q2 मिलेगा। मतलब कि अगर हम सेम ही स्टेट पर, हो सकता है कि लूप लग गया हो, इसकी वजह से इनपुट देने पर आपको उसी स्टेट में मिल रहा है। जैसे सपोज ये है कंडीशन, ऐसे रही होगी कि ये Q2 स्टेट रहा होगा और उस पर ही बी इनपुट पर और ए इनपुट पर सेम स्टेट मिल रही होगी, मतलब कि Q2 स्टेट मिल रही होगी। तो वो क्या होगा कि ए और बी इनपुट पर दोनों इस स्टेट पर अगर ए इनपुट बी इनपुट देते हैं तो हम उसी स्टेट में रहते हैं, इसीलिए Q2 लिखा हुआ है। ओके, अब बात कर लेते हैं हम ट्रांजिशन फंक्शन की, जिसकी वजह से जिससे हम ये निकाल पाते हैं। ओके, जैसे सपोज दैट आपको ट्रांजिशन फंक्शन Q0 और ए पूछ दिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, Q0 स्टेट पर ए इनपुट से आप चेक करेंगे इस टेबल के अंदर, ट्रांजिशन टेबल के अंदर चेक करेंगे लाके, ये ट्रांजिशन फंक्शन है Q0 पर इनपुट पर Q1 मिला तो आपका आंसर क्या जाएगा, Q1। उसी तरीके से मैं आपको दो तीन करके बताता हूँ। अब अगर आपको Q0 पर अगर आपसे मैं B पर पूछूँ तो Q0 स्टेट पर B इनपुट देने पर क्या मिलेगा, Q2 मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं Q2 पर बोलूं तो Q2 और ये A इनपुट पर अगर मैं पूछ रहा हूं तो Q2 A इनपुट में मिलेगा मैं Q2। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं Q1 पर अगर B तो Q1 पे जाएंगे और B पर चेक करेंगे तो आपको मिलेगा Q2। तो इस तरीके से ये आपका ट्रांजिशन फंक्शन हो गया। एल्गोरिथम में देख लेते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं। एल्गोरिथम में बेसिकली हम स्टेप्स दिखाते हैं कि हम किस किस स्टेप को फॉलो करके हम ट्रांजिशन टेबल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ट्रांजिशन टेबल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम एल्गोरिथम में कंसीडर कर रहे हैं। देख लीजिए, कोई मशीन नहीं होगी, ठीक है, या तो वो NFA रहा होगा या DFA रहा होगा। तो कोई मशीन नहीं होगी M, उसके कुछ टपल्स रहे होंगे, ठीक, 5 टपल्स थे ये।
और ये फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर आता होगा। तो जो स्टेप्स हैं ट्रांजिशन टेबल बनाने के लिए वो ये होंगे। स्टेप वन, स्टेप नंबर वन में क्या करेंगे, ड्रॉ ए टेबल इन विच नंबर्स, नंबर ऑफ रोज इंडिकेट्स द नंबर ऑफ स्टेट्स इन फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके नंबर ऑफ कॉलम्स, हाँ ओके इंडिकेट द नंबर ऑफ सिंबल्स इन, इसमें लिखा है ड्रॉ अ टेबल इन विच नंबर ऑफ रोज इंडिकेट्स द नंबर ऑफ स्टेट। ओके तो नंबर ऑफ रोज जो जा रहे हैं आपके वो क्या है आपके, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ स्टेट्स। एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आपके वो इंडिकेट क्या कर रहे हैं, इनपुट सिंबल, मतलब कि आपका इनपुट सिंबल, मतलब कि जो भी आप इनपुट दे सकते हो उस पर, या ए इनपुट दोगे तो बी इनपुट दोगे इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। स्टेप नंबर टू में क्या करेंगे हम, लेबल द रोज विद द स्टेट नेम्स एंड द कॉलम्स विथ द सिंबल्स इन, ओके तो ये इनपुट सिंबल होता है, ठीक है। इसमें हम सारे इनपुट्स लेते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से हम क्या इनपुट सिंबल लेते हैं, टपल्स क्या होते हैं, उनकी वर्किंग क्या होती है। स्टेप नंबर थ्री, फॉर ईच ट्रांजिशन फंक्शन एंड पुट पी इन द सेल क्यू ए एंड द लास्ट एंड फाइनल स्टेप नंबर फोर, स्टार्ट स्टेट इज प्रोसीडेड बाय एंड फाइनल स्टेट बाय स्टेट्स, क्योंकि मे भी हो सकता है कि इसमें फाइनल स्टेट जो है वो मे बी मोर देन वन हो सकते हैं। स्टेट्स आर प्रोसीडेड बाई प्लस। सो ये आपकी एल्गोरिथम हो गई। अगर आपसे पेपर में 5 नंबर के क्वेश्चन में ट्रांजिशन टेबल के बारे में पूछते हैं आपके एग्ज़ाम में, आपके सेमेस्टर के अंदर, तो आप बेसिकली इस तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उनके बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो ऑटोमेटा पर मैं बनाने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब करके रखिए यार, जिससे आपको बहुत सारे चीज़ें आपको एक ओपन प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।